सुरूप नखा मक्का मदीना क्यों गई? क्या सुरूप नखा नहीं अरब देश बसाया? दोस्तों, इस बात का खुलासा आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें सुरूप नखा का लिंक मक्का मदीना के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसे में सुरूप नखा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि सुरूप नखा महान ऋषि विश्व व केकसी की पुत्री थी व रावण कुंभकर्ण विभीषण की बहन। शुरू से ही वो अति सुंदर व बड़े बड़े नाखूनों वाली स्त्री थी। बचपन में उसका नाम मीनाक्षी रखा गया था, अर्थात जिसकी आंखें मछली के समान हों। बाद में उसे चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा, अर्थात जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। सुरूप नखा के नाखून अत्यधिक बड़े व नुकीले हुआ करते थे, इसीलिए उसका नाम सुरूप नखा भी पड़ा। जो व्यक्ति रामायण के बारे में जानता है वो सुरूप नखा के बारे में भी जानता होगा, लेकिन रामायण के बाद आखिर सुरूप नखा कहाँ गई? दोस्तों, हम ये सब तो जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण के साथ ही उसके साथियों को लंका सौंपी गई थी, लेकिन सुरूप नखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी नाक काट दी गई थी, उसके बाद वो कहाँ गई? इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप ये सब तो जानते ही हैं कि जब सुरूप नखा राम की तरफ आकर्षित होकर उसके पास आती है और कहती है कि वो उससे प्रेम करने लगी है, लेकिन श्री राम मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी सुरूप नखा को मना कर देता है। सुरूप नखा वापस श्री राम के पास जाती हैं और उसके बाद माता सीता के खिलाफ कई कटु वचन बोलती हैं और उनको मारने के लिए उनकी तरफ झपटती हैं। इतने में ही लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए सुरूप नखा की नाक को काट देते हैं। इसी आक्रोश में आकर वो रावण के पास जाकर सारा वाक्य बताती है, जिसके बाद ही सीताहरण होता है। लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार सुरूप नखा का जिक्र नहीं किया गया है। आखिर वो उसके बाद गई कहाँ? कहा जाता है कि नाक कटने के बाद सुरूप नखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में वो भी अपना बचाव करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो इसके लिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को अपना स्वरूप यानी शिवलिंग दे दिया और उससे कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया तो राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उस आत्म लिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, इस समय जिसे कहा जाता है मक्का मदीना। शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि सुरूप नखा को ही दिया था। उस समय सुरूप नखा हमेशा चेहरा ढककर रखती थी और धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी इसी परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, सभी मुस्लिम लोग आपने देखे ही होंगे कि बुर्का पहनते हैं। उसके पीछे का कारण यही है दोस्तों। मक्का मदीना में जो मकेश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए सुरूप नखा ने वहीं पर रहना शुरू किया। वो इस समय मक्का मदीना में है जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। साथ ही धीरे धीरे सुरूप नखा ने कई सारी परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्का पहनना, क्योंकि ये पहले से ही सुरूप नखा की नित्य थी, जहाँ सुरूप नखा के सिर्फ और सिर्फ आंख दिखाई देती थी। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की अगर बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग के पास सुरूप नखा के वंशज कारंतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसीलिए शुक्रवार का विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है? क्या जितने भी मुस्लिम लोग हैं सुरूप नखा उन्हीं की वंशज थी? अरब देश में मक्का मदीना क्या वही शिवलिंग है जिसे मकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर किसी भी हिंदू धर्म के लोग या फिर कोई भी हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता? आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, पर इससे रिलेटेड जो बातें सामने निकल कर आई हैं उनको भी नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो प्रूफ करती हैं कि मक्का मदीना में सचमुच शिव विराजमान है। दोस्तों, इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वो शिवलिंग ही है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहासकार थियोडर मॉम्सन ने ये लिखा है कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरब वासियों का अत्यंत पूजनीय है। इस बात से थियोडर मॉम्सन ये बताना चाहते थे कि भगवान शिव का काबा से कोई ना कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। दोस्तों, पंडित वेकांतेश द्वारा लिखित ग्रंथ राम अवतार चरित्र के युद्ध कांड प्रकरण में
मकेश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे भी स्पष्ट होता है कि मकेश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं अवश्य मौजूद है, लेकिन कहां इस विषय में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिव जी से एक बड़ा सा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर वो लंका जा रहा था। और शिवलिंग काफी भारी था, इसीलिए रास्ते में उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। विश्राम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग उठाने की कोशिश करी तो वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया, जिस कारण दैत्य और स्वरूप नखा वहीं पर इसका पूजन करने लगे। कहा जाता है कि वो जगह मक्का ही थी यहाँ रावण ने शिवलिंग रखा था। कहा यह भी जाता है कि जिस स्थान पर मक्का है वहां भगवान श्री कृष्ण ने कालियावन नामक मलिक राजा का विनाश किया था। दोस्तों, प्राय हम देखते हैं कि जहां जहां शिवलिंग स्थापित होता है वहां कोई ना कोई जलाशय अवश्य मौजूद है, और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस जल को गंगा जल की तरह ही अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग जमजम के पानी के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं, ये स्पष्ट रूप से तो हम नहीं कह सकते, परंतु इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज और व्यवहार ये अवश्य साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मक्का में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी से ये साबित होता है कि कोई ना कोई डर मुसलमानों को ज़रूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है, चाहे वो चर्च हो या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या फिर बौद्ध मठ, कहीं भी किसी के प्रवेश पर पाबंदी नहीं है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि मक्का के ऊपर काले रंग का ये कपड़ा क्यों रखा जाता है? चलिए इसके बारे में भी आज जान ही लेते हैं। तो ये काला रंग दोस्तों संपूर्ण राक्षस जाति का प्रतीक माना जाता है, और साथ ही किसी भी हिंदू को ये पता ना चल जाए कि इस्लाम के अनुयायी भी हमारी तरह शिव जी की पूजा करते हैं या उनमें आस्था रखते हैं, इसीलिए काबा पर काला कपड़ा रखा जाता है। और काबा को काले रंग से ढकने की परंपरा इसीलिए भी निभाई जाती है क्योंकि स्वरूप नखा यानी कि इस्लाम की देवी, वो भी रामायण काल और उसके बाद अपने मुंह को काले रंग के कपड़े से ढक कर रखा करती थी। और आज स्वरूप नखा के वंशज भी महिलाएं भी काले रंग के बुरके को पहनती आ रही हैं। हालांकि दुनिया को गुमराह करने के लिए बुरके को कई प्रकार और रंगों में बांट दिया गया है, किंतु सत्यता जो है वो यही है कि ये स्वरूप नखा की देन है, जिसे इस्लाम की महिलाएं इस्लामी रीति रिवाज के अंतर्गत धारण करती हैं। और समाज के इस एक तरफा पहनावे के कारण ही दुनिया इन्हें मुसलमानों के नाम से जानती है। मुसलमानों का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम के शुरुआती अंकियों को लेकर बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चित है। आइए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि इस्लाम धर्म पैदा कैसे हुआ, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ऐसे में दोस्तों, असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये एक मजहब है, और खुद मुसलमान भी अपने नाम के आगे धर्म लगाने का विरोध करते हैं। ये हमेशा ही इस्लाम धर्म को मजहब से ही प्रचारित करते हैं। और मजहब का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपने कबीले के गिरोहों में इजाफा करते जाना। और ये बात तो सभी जानते हैं, और खुद इस्लाम के अन्य धर्मों के साथ लड़ाई भी इसी बात को लेकर होती रहती है, क्योंकि इस्लाम के लोगों को लगता है कि वो संसार में बहुत ही कम मात्रा में है, यानी उनकी संख्या काफी कम है, इसीलिए वे हर दम अपने मजहब को बढ़ाने की बात सोचते हैं और करते रहते हैं। जब इस्लाम के निर्माण की बात आती है तो हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम का जनक माना जाता है, जो कि अरबी वासी थे। अब ऐसा नहीं है कि इस्लाम का निर्माण हजरत मोहम्मद साहब ने किया, बल्कि उनसे पहले से ही अरब में इस्लाम मौजूद था। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपके लिए इस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। ऐसे में आपको बता देना चाहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद या हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के सबसे महान नबी और आखिरी पैगंबर माने जाते हैं। कुरान के मुताबिक एक रात जब वो पर्वत की एक गुफा में ध्यान कर रहे थे तो फरिश्ते जिब्राइल उनके पास आए और उन्हें कुरान की शिक्षा दी। पैगंबर का विश्वास था कि अल्लाह ने उन्हें अपना संदेश वाहक चुना है और वो दूसरों को भी अल्लाह का संदेश देने लगे, जिसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम के सबसे महान नबी और आखिरी पैगंबर बन गए थे। आपको बता देना चाहेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब बचपन से ही बहुत मेहनती और होशियार थे। वे बचपन से ही गंभीर स्वभाव के ईमानदार थे और कम तथा मीठा बोलते थे, जबकि अरब के लोग दगाबाज, फरेबी और झूठ बोलने में ही अपना जीवन बिताते थे। अपने चाचा के साथ रहते हुए वे अपने चाचा के व्यापार में हाथ बटाते थे। उनकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर लोग उन्हें अल अमीन अधार्थ, सच्चा ईमानदार और सत्यवर्ती कहते थे। ऐसे में आपके क्या विचार हैं दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब
को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।